बात आज डिजिटल अरेस्ट की होगी। दरअसल देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर से फिर एक और मामला सामने आया है। यहां कैट के साइंटिस्ट और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट किया गया। 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ हुई है। ये राशि 23 अलग अलग अकाउंट में जमा करा ली गई। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने के आरोप लग रहे हैं। बदमाशों ने मनी लॉन्ड्रिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग का डर दिखाया और पीड़ितों से 71 लाख रुपए का स्कैम कर डाला। मामले की जांच में हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है, लेकिन यह बड़ी खबर है इस वक्त की। और देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी अब मोबाइल के जरिए डराने धमकाने का खेल शुरू हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट, ये आपको समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये है क्या, कैसे ये स्कैमर्स आपको अपने झांसे में लेते हैं और कैसे आपको अपने ही घरों में कैद कर दिया जाता है। इंदौर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां फर्जी क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर अधिकारियों को डराया गया, धमकाया गया और उनके साथ 71 लाख रुपए की ठगी कर दी। दरअसल डिजिटल अरेस्ट में कुछ ऐसा प्लान किया जाता है कि जो ठग होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो अपने पीछे का बैकग्राउंड एक जेल की तरह बना लेते हैं, ताकि जब पीड़ितों को कॉल किया जाए तो उन्हें लगे कि हाँ वाकई उन्हें पुलिस के किसी अधिकारी ने ही कॉल किया है। ये खबर आपको सावधान करने वाली है। बेहद समझने की जरूरत है कि डिजिटल हाउस अरेस्ट आखिर है क्या और इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके मामलों में बढ़ोतरी की वजह क्या मानी जा रही है। सबसे पहले आप डिजिटल हाउस अरेस्ट समझिए, ये समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये स्कैम हर किसी के साथ हो रहा है। समझिए जरा, पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर स्कैमर्स कॉल करते हैं। बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन की तरह बना लिया जाता है स्कैमर्स की ओर से, ताकि पीड़ितों को डराया जा सके, उन्हें धमकाया जा सके। पीड़ित को कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, अधिकतर वीडियो कॉल ही किए जाते हैं ताकि उन्हें बैकग्राउंड नजर आ सके, और गिरफ्तारी का डर दिखाकर घर पर ही बंधक बना लिया जाता है। विक्टिम को कॉल से हटने तक का मौका नहीं मिलता। आप किसी को कॉल कर सके ये मौका भी आपको नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही फोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल से गैर कानूनी काम करने की बात कही जाती है। जमानत के लिए स्कैम का खेल यहां से शुरू होता है, जब आपको डराया जाता है आपको किसी आपराधिक गतिविधि में फंसने का या उसमें होने का आरोप आप पर लगा दिया जाता है। और चलिए डिजिटल अरेस्ट को समझने की भी हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ राकेश जैन, साइबर एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे इस तरह के मामलों को समझेंगे और ये भी समझना बेहद जरूरी है कि इनकी रोकथाम आखिर कैसे होगी। लेकिन सबसे पहले इंदौर आपको ले चलते हैं, क्योंकि इंदौर से ही दो बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, जिसमें एक मामले में तो आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। अखिलेश, क्या कुछ अपडेट? इंदौर में सबसे पहले ये मामला सामने आया था और अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में डिजिटल हाउस अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या अपडेट अभी तक? बिल्कुल जया, पहले तो समझना होगा कि डिजिटल अरेस्ट है क्या। सबसे बड़ी बात यही है कि जागरूकता की कमी है और यही कारण है कि वो वर्ग इन अपराधियों के चंगुल में फंस रहा है, जो सबसे बुद्धिजीवी माना जाता है। बड़ी बात यह है कि साइंटिस्ट, डॉक्टर और उसके साथ तमाम जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो इनकी जो डिजिटल अरेस्ट है वो उनको किया जा रहा है और इनसे लाखों रुपए की जो ठगी है वो की जा रही है। अभी तक अगर की बात की जाए जनवरी से, तो आंकड़ों की तो 28 ऐसे डिजिटल के जो अरेस्ट के जो मामले हैं वो इंदौर से निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति, इंजीनियर, साइंटिस्ट और तमाम जो बड़े लोग हैं वो इसका शिकार हुए हैं। पुलिस की अगर जो आंकड़े की अगर बात कही जाए, तो अभी तक लगभग 2 करोड़ रुपए जो ठगों रहे हैं वो ठग चुके हैं। कई मामलों में जो पैसे हैं वो रिफंड भी करवाए गए हैं बैंक की मदद से, खाते को स्विच करवा कर, और 7 आरोपी इसमें अभी तक गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किए भी जा चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि अभी भी जो डिजिटल अरेस्ट है वो तमाम तरह के जो साइबर एक्सपर्ट है, उसके साथ ही तमाम जो पुलिसकर्मी है और क्राइम ब्रांच है, और उसके साथ ही मीडिया के माध्यम से हर एक दिन ये खबर निकलकर सामने आती है कि डिजिटल अरेस्ट हो चुका है और उसके साथ ही जो पैसे है उसकी ठगी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो इसका शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम तरह के जो डिजिटल अरेस्ट हैं वो होते हुए यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। तमाम तरह के जो ऑपरेशन पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं
है, लेकिन अभी तक पुलिस को वो सफलता हासिल नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात अखिलेश यही है कि आखिर सफलता ना मिलने के पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है कि स्कैमर्स पुलिस से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस से चार कदम आगे रहते हैं और पुलिस भी या क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी इनकी गतिविधियों को भांप नहीं पाते, समझने की कोशिश हम करेंगे। राकेश जैन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो साइबर एक्सपर्ट है। राकेश जैन जी बहुत स्वागत है आपका। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, उनसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपसे सवालों की। बीते 10 सालों में 65,000 से ज्यादा मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं डिजिटल अरेस्ट के, और 2023 की अगर मैं बात करूं तो 30,000 करोड़ रुपए की ठगी डिजिटल अरेस्ट के जरिए की जा चुकी है। मेरठ से लेकर मॉरीशस तक लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे? क्या कुछ गिने चुने लोगों को या ऐसे लोग जो अच्छी प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं उन्हीं को क्या टारगेट किया जाता है? नहीं जय जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो टारगेट करने वाले लोग हैं उसका कोई ऐसा प्रोफाइल ऐसा चेक नहीं होता है, और ये सिर्फ जनता की भावनाओं को उनके इमोशन के साथ खेलते हुए उनके दिमाग में कोई डर बैठा करके ये चीज की जाती है। तो जैसा आपने कहा कि पुलिस या अपराधी की टेक्नोलॉजी में रेस है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ जनता का आम आदमी के अज्ञानता का फायदा उठा करके ये चीज की जाती है, और जब तक वो चीजें हो जाती है तब तक पुलिस को पता भी नहीं पड़ पाता है इस चीज के बारे में। जी राकेश जैन जी, जरा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप समझाने की कोशिश करिए कि कैसे लोग इस झांसे में फंस जाते हैं। मैंने ये देखा है कि अलग अलग अपराधों में लिप्त होने के आरोप लोगों पर लगाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से एक हाल ही में घटना सामने आई जहां एक शिक्षिका को ये झांसा दिया गया कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है, पैसों का नुकसान हुआ लेकिन इसके साथ ही उन महिला शिक्षिका की जान तक चली गई। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है, कैसे लोगों को झांसे में लिया जाता है और लोग कैसे इस झांसे में आ जाते हैं, क्यों इन्हें समझ नहीं पाते इस तरह के फ्रॉड को या इस तरह के स्कैमर्स को? जी आपने बिल्कुल सही कहा जया जी, इसमें जनरली जो इस तरह के साइबर मामले रहते हैं जहां पर कि कुछ ऐसे अपराधों में लिप्त होने का आरोप लगाया जाता है, जैसे कोई पार्सल आपका नारकोटिक्स वाला पार्सल रिटर्न हो गया है, और या फिर आपने कोई पार्सल फेडेक्स से भेजा था और उसके अंदर ड्रग्स पकड़ाए हैं, वो ऐसी चीजें होती हैं जो साइबर वर्ल्ड में जो किसी दूसरे या तीसरे शहर में होती है, और इसके कारण से वो फोन पर इस तरह का सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। तो अमूमन उनके दिमाग में सिर्फ डर बैठाने की कोशिश की जाती है कि आप ऐसे किसी अपराध में लिप्त हो गए हैं जिसमें आपको काफी लंबी सजा या काफी बड़ा जुर्माना हो सकता है, और यहाँ तक कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उनके बच्चों के नाम पर, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं जैसे काफी यंग जनरेशन जो है वो दूसरे शहरों में पढ़ाई करती है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंदौर में या कहीं रायपुर में या भोपाल में कहीं कॉल करके बोले कि आपका बेटा फला सेक्स पैकेट में या किसी सेक्स स्कैंडल में या किसी नारकोटिक्स के किसी गैंग में मुंबई में पकड़ा गया है और हम मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, तो जनरली आदमी जो है उस डर के कारण से उस क्षणिक रूप से उस चीज पे यकीन कर लेता है, बजाय इसके कि वो अपने बच्चे से या अपने किसी रिश्तेदार से कंफर्म करे कि क्या वाकई उनका जो परिजन है वो उस स्कैम में फंसा है या नहीं फंसा है। और इसी भावना का, इसी डर का, और एक मोमेंटरली डर का फायदा उठा करके एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया जाता है जहां पर कि उनसे उससे छूटने के लिए, उनसे जमानत के लिए इस तरह के पैसों के प्रावधान किए जाते हैं, या उन्हें इतना डरा दिया जाता है कि वो किसी और से बात ना कर पाए, घर से बाहर ना निकल पाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात सिर्फ यही बताने की रहती है, आम जनता को इस चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा, जो कि हर जिले की, हर राज्य की पुलिस भी करती है और सामाजिक संस्थाएं भी करती हैं, कि कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस इस तरह से किसी तरह से डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती, उनके पास अधिकार ही नहीं है। पर आम जनता को इसकी जानकारी नहीं होती है और वो यूनिफॉर्म में किसी बैठे हुए व्यक्ति को अपने स्क्रीन पर देखते हैं तो उस झांसे में आकर के डर के कारण वो उस झांसे का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल राकेश जैन जी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त जो जहन में हमारे उमड़ घुमड़ रहे हैं कि आखिर जब पहुंचते हैं उनके पास वीडियो कॉल आते हैं या स्कैमर जब इस तरह की ठगी को अंजाम देते हैं तो लोग आखिर अपनों को कॉल क्यों नहीं करते हैं, क्यों आखिर इतना डर उनके जहन में बढ़ जाता है कि वो अपनों को कॉल करने में या किसी से मदद लेने में भी परहेज करने लगते हैं? बहुत से ऐसे मामले, कानून क्या कहता है, क्या डिजिटल हाउस अरेस्ट को लेकर किसी तरह के कानून बनाए गए हैं, क्या कहता है कानून का प्रावधान, सबको समझने की कोशिश करेंगे। इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। राकेश जैन जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे।